सो हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं खड़ा हूँ देश की राजधानी अपनी दिल्ली में, और इस टाइम मैं हूँ मोरी गेट टॉप नंबर 5 के पास, जहाँ पे अपना गुजरात ट्रैवल्स का ऑफिस है। और आज हम इसी गुजरात ट्रैवल्स की बस में जर्नी करने वाले हैं टिल अहमदाबाद, क्योंकि ये बस जाती है दिल्ली से अहमदाबाद डेली दोपहर में 1 बजे। और आज ये बस थोड़ी सी डिले हो गई है, जो कि अब इस ये डिपार्ट करेगी 3 बजे, मतलब 2 घंटे की देरी के साथ चल रही है, क्योंकि उधर से ये लेट आई थी ट्रैफिक जाम या बारिश के रीज़न की वजह से। बाकी ये बस जाती है स्टॉप नंबर 5 मोरी गेट के गुजरात ट्रैवल्स के ऑफिस के बाहर से। बाकी ये अपना यहाँ पे गुजरात ट्रैवल्स खड़ी है, और इस सुबह ये है अपनी कुछ बस का इंटीरियर आपको मैं दिखा देता हूँ। और अशोक लीलैंड की बस है ये, साई कोच की बॉडी है पूरी, ये देख सकते हो भाई अपना केबिन का व्यू। और ये है अपने कुछ बस का इंटीरियर, आपको मैं अंदर चल के दिखा देता हूँ भाई। ये अपनी 2x1 की सीटिंग अरेंजमेंट के साथ ये बस अपनी आती है, और भाई अंदर का देख सकते हो लुक कितना ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है बस की। बाकी इधर 2x2 की सीटिंग अरेंजमेंट होगी, कर्टन्स के साथ आती है भाई, सिंगल स्लीपर भी होगा अप एंड डाउन के लिए। सामने शू रैक आपको मिल जाएगा, जिसको बास्केट ही आप यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, शू रैक से लोग आजकल ज़्यादा इसको जाने लगे। बाकी पीछे चार्जिंग सॉकेट्स आपको मिलेंगे दोनों पैसेंजर्स के लिए, ब्लैंकेट्स प्रॉपर मिलेंगे, कुशनिंग वगैरह आपको मिल जाती है पीछे, और ऊपर अपना LED लाइट मिल जाएगी, जिसमें कि सारा सीट्स का जो भी नंबर है वो मेंशन किया हुआ है प्रॉपरली। बाकी सो भाई आपको केबिन में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर फायर एक्सटिंग्यूशर भी आपको मिल जाता है। सो भाई बाकी ये है अपना गुजरात ट्रैवल्स का दिल्ली का ऑफिस, यहाँ पे आप अपने कार्गो वगैरह और टिकट्स वगैरह भी आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। ये देख लो भाई शॉप नंबर 5 है, यहाँ से आपको पार्सल की सर्विसेज और डेली बस की सर्विसेज आपको मिल जाएगी भाई। ये देख लो भाई ऑफिस है, यहाँ पर आप वेट भी कर सकते हैं। सो भाई आपको इंटीरियर दिखा दिया बस का, और मिलाते हैं इस बस के पायलट साहब से। सर क्या हाल है? सर क्या नाम है सर आपका? कितना टाइम हो गया सर आपको गुजरात ट्रैवल्स में ड्राइव करते हैं? 12 साल हो गए। और वैसे टोटल ऑल ओवर एक्सपीरियंस? हाँ भाई, तो 32 साल हो गए। 32 साल का हो गया। बाकी हमारा डिस्टेंस कितना हो रहने वाला है दिल्ली से अहमदाबाद का अप्रोक्स? करीब वैसे तो अभी जाम जूम लगता है, थोड़ा बहुत रास्ते भी खराब है, बीस इक्कीस घंटे लग जाते हैं। किलोमीटर्स कितना होगा? 1000 होगा, 1000 किलोमीटर है। बाकी कौन से रूट से हम निकलने वाली है हमारी बस? जयपुर, जयपुर से पाली सोजल पालनपुर मेहसाना हो गया। ठीक है जी। सो जी मोरी गेट से फाइनली अपनी जाके बस निकल चुकी है शॉप नंबर 5 से। जितने भी ऑपरेटर्स होंगे सबका ऑफिस यहीं पर है मोरी गेट के आसपास। बाकी तो भाई अपनी बस पहुंचने वाली करोल बाग, और जाम लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे हमारे साथ एक भैया भी हैं जो कंडक्टर हैं अपने बस के। भैया क्या नाम है अपना? हरिओम सिंह। भैया आपका क्या, मतलब इसमें बस में क्या रोल रहता है, क्या करते हैं आप? मैं कंडक्टर था। हाँ जी। पैसेंजरों को संभालना है, किसी को पानी बोतल देना है, किसी को सामान रखवाना है। हाँ जी। अच्छा आप गुजरात ट्रैवल्स में कितने साल से हो गए आपको? 6 साल हो गए गुजरात ट्रैवल्स। ठीक है भैया। सो जी आ चुके हैं जी करोल बाग, यहाँ पे बड़े हनुमान जी की मूर्ति, और ये मंदिर है बहुत बड़ा करोल बाग है, जिसको कहते हैं मूर्ति चौराहा। सो जी अपनी बस आ चुकी है अपने दूसरे बोर्डिंग पॉइंट पे, जो कि है करोल बाग। यहाँ पे भी काफी सारे पैसेंजर बोर्ड होने वाले हैं। बाकी ये देख लो भाई अपनी बस, और साइड में काफी सारे पैसेंजर्स भी खड़े हैं जिनकी बोर्डिंग चल रही है। बाकी यहाँ पे ये होती है। सो जी करोल बाग से अपनी बस निकल चुकी है, अब अगला आएगा अपना बोर्डिंग पॉइंट धौला कुआं। सो भाई एमिनिटीज में इस बस में आपको ब्लैंकेट मिलता है हर सीट्स पे, ये देख सकते हो, और भाई वाटर बॉटल मिलती है 1.5 लीटर की, भाई आके सबको दे के जाते हैं भाई। थैंक यू सो मच भैया। बाकी सारे पैसेंजर को ये अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो जी अब अपनी बस आ चुकी है अपने बोर्डिंग पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि है अपना धौला कुआं। यहाँ पे जो अपनी बस है ये पेट्रोल पंप के सामने रुकती है, जहाँ पे अपनी बस में लोग
बोर्ड करते हैं, ये देख लो भाई जो पैसेंजर्स आ रहे हैं यहाँ पे बोर्ड करते हैं भाई। और ये बगल से जा रही है धौला कुआं वाली अपनी रोड, और यहीं पर अपनी बस का होता है बोर्डिंग पॉइंट और स्टॉप, और डीजल भी यहीं पे फिल हो जाता है भाई। तो भाई यहाँ से हमने लिया है कचौरी, और भाई भूख लग रही थी हमें बहुत। तो भाई लगभग 293 लीटर तेल डल गया है, जो कि 25,728 रुपये का पड़ा। बाकी यहाँ पे रेट चल रहा है भाई 87.60 रुपये का। बाकी यहाँ सो जी फाइनली अपनी बस निकल चुकी है धौला कुआं से। तो भाई मौसम देखो कितना खतरनाक हो रहा है आगे, हो सकता है बारिश भी देखने को मिलेगी भाई हमें। तो भाई कोई सीनियर ऑफिसर आने वाला है या कोई होगा पॉलिटिशियन का हेड। ये देखो भाई ये रोड पूरी बंद कर दी हुई है, और भाई ये देख लो वो रोड पूरी ब्लॉक कर दी है भाई, आर्मी जुर्मी सब खड़े हैं भाई। कोई सीनियर रैंक का अधिकारी आ रहा है, या हो सकता है अपने प्रधानमंत्री साहब भी हो सकता है जा रहे हो। तो ये है महिपालपुर शिव मूर्ति, जहाँ पे शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है, उसके सामने जस्ट हमारा पिकअप पॉइंट होता है भाई, सामने ही है। ये देख लो भाई इसको कहते हैं मंगल महादेव, ये जो है ना यहाँ पे ये पिकअप पॉइंट होता है। तो दोस्तों अभी आ चुके महिपालपुर के शिव। तो जी ये था इफ्को चौक, जो कि दिल्ली एनसीआर का लास्ट बोर्डिंग पॉइंट और पिकअप बोर्डिंग पॉइंट और डिबोर्डिंग पॉइंट होता है, आता है गुड़गांव का इफ्को चौक, मैं गुड़गांव में आता है इफ्को चौक। बाकी यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स हैं भाई बोर्ड करने वाले, उसके बाद अपनी बस निकल जाएगी। सो जी अभी आ चुका था मैं अपनी सीट पे, और सीट भाई इतनी कंफर्टेबल है ना, आते ही मैं पता नहीं क्या ही जादू कर रखा है, लेटते ही भाई नींद आने लग गई मेरे को। अब लगता है मैं सोऊंगा तो सीधा जयपुर में ही उठूंगा भाई, ऐसा सिस्टम हो रहा है। बाकी हमारा डबल स्लीपर है, और ये देख सकते हो भाई सीट जो है ना काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस वाली सीट है भाई। और सामने आपको बास्केट मिला हुआ है, ऊपर पैर के साइड एक एसी का ब्लोअर है, और यहाँ पे सिर के साइड भी दो दो एसी के ब्लोअर्स हैं, जिसको कि हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मुझे नहीं चाहिए भाई एसी, इनको दे दिया मैंने भाई, ऐसा कुछ है। सो जी अब एक्सप्रेसवे पे आ गए मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसको कहते हैं दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे है। तो भाई ये देख लो जयपुर में एंटर हो गए, और ये राजस्थान रोडवेज और अपनी बस में टक्कर की रेस लगी है भाई जाम में। ये देखो भाई, ये देखो भैया पूरा सीटी बजाते हुए सामने, ओहो ये देखो भाई कितना जाम है। और हेलो करो हेलो सो भाई ये देखो राजस्थान रोडवेज निकल गई, सारे भाइयों ने हेलो कर दिया आप लोगों को, और आप लोगों का हमें सब्सक्राइब करना बाकी। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं जयपुर में, काफी ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, और सामने देखो कितनी प्यारी प्यारी बसेस जा रही हैं यहाँ से अपने सफर पे। और आगे तो भाई अपनी बस आ चुकी है जयपुर के सिंधी कैंप के अपने अपना गुजरात ट्रैवल्स के ऑफिस में। बाकी ये देख सकते हो भाई ये ऑफिस आपको पहले भी मैंने दिखाया हुआ है, ये मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे है भाई, ये देख सकते हो। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर से भी अपना गुजरात ट्रैवल्स का ऑफिस भाई, ये है अपना जयपुर का
जो मेन ऑफिस है गुजरात ट्रेवल्स का, आपको एक बार पहले भी दिखाया था जब मैंने पुणे से जब जर्नी की थी अपनी जयपुर तक की बस में। बाकी ये अंकल जी पहले ही बैठे हुए मिले थे, बाकी यहाँ पे और भी भैया मिलते हैं, वो भी शायद है नहीं। और अंकल जी क्या नाम है आपका, क्या हैंडल करते हो आप यहाँ पे? अच्छा ठीक है। बाकी यहाँ से जो फेयर है अहमदाबाद का लगभग कितना होगा जयपुर से? 1000। सो भाई निकल चुकी है अपनी बस सिंधी कैंप बस स्टॉप से जयपुर से। और बाकी यहाँ रावत कचौड़ी वाला था भाई, यहाँ से कचौड़ी लेनी थी भाई, भूल गए, बहुत फेमस है भाई। और बाकी सो भाई रात के हो रहे हैं 11:36 और अपनी बस आके अब रुकी है डिनर हॉल्ट के लिए भाई। ये कौन सी जगह है भाई पता नहीं भाई, लेकिन भाई बहुत ही तगड़ी आँख लगी हुई थी अभी अभी खुद भाई, मैं तो सो गया हुआ था, अभी आँख खोल देखा अपनी बस रुकी हुई है ढाबे पे खाना खाने के लिए डिनर के लिए, बाकी 2 घंटे अपनी बस। सो भाई हमारी बस रुकी थी डिनर हॉल्ट के लिए, डिनर में हमने मंगाया है सेव टमाटर और चपाती, 120 रुपये का ये पड़ा। बाकी ये थोड़ी सी जगह है जहाँ पर हमारी बस रुकी हुई है, ये देख सकते हो भाई। खाना खाने की टेस्ट की बात करें ऑन एवरेज है, मैंने बहुत ही भी अच्छा नहीं है, हाँ ठीक खा बट चलो खा के फिर निकलते हैं। अब डिनर करके हमारी बस निकल चुकी है अपनी अहमदाबाद की सफर की ओर। अब पता नहीं कौन सी जगह थी जहाँ पे गाड़ी रुकी थी, डिनर हॉल्ट ऑन एवरेज था। बाकी चलते सोते हैं, सुबह मिलते हैं वो प्यारे से सेक्शन के साथ। तो भाई सुबह 8:03 हो रहे हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी हम आबू रोड चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं, बाकी अपने ड्राइवर साहब भी चेंज हो चुके हैं, अब दूसरे ड्राइवर साहब अपनी बस चला रहे हैं। बाकी मौसम देखो भाई कितना अच्छा हो रहा है, गर्मी वाला बिल्कुल भी नहीं है, और सारी रात भाई इतनी तगड़ी नींद आई है ना, इतनी कम्फर्टेबल नींद आई है ना, पता ही नहीं चला कब सोया। वैसे रात में सोया भी मैं लेट था, सुबह 8 उठ गया भाई, बहुत जल्दी हो गया फिर भी, बट रिलैक्स हो गया शरीर, बिल्कुल लग नहीं रहा है कि भाई आधी नींद हुई है या कुछ। आगे भाई बॉर्डर पे राजस्थान और गुजरात के, यहाँ पे होगी अपनी गाड़ी की चेकिंग, पुलिस वाले भैया चेक करेंगे यहाँ पे सभी पूरी गाड़ी के पैसेंजर को कि भाई अल्कोहल तो नहीं जा रहा है यहाँ पे। बाकी ये देख लो भाई ड्राइवर साहब यहाँ पे बैठे हुए, ये देख लो भाई पशु कितने हाईवे पे हैं, हर हाईवे पे आपको जहाँ पे भी फेंसिंग नहीं हो रखी पशु मिलेंगे मिलेंगे बाय। तो भाई ये पीछे था अपना गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर, और यहाँ पर गाड़ी को रुकवा लिया गया है और पूरी गाड़ी की तलाशी होगी कि भाई कोई अल्कोहल वगैरह लेकर तो नहीं जा रहा। बाकी ये देख लो भाई अपना अपनी बस, और यहाँ पर सारा चेकिंग वगैरह हो रही है। तो भाई अपनी गाड़ी अब एंटर कर चुकी है अहमदाबाद में, और थोड़ी देर में हम अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। सो भाई ये आ गया ड्रॉप पॉइंट अपना, तो भाई अहमदाबाद में आप सभी का स्वागत है। और ये देख लो भाई जैसे जो सिटी बसेस होती है ना उनका यहाँ पे ऐसा स्टॉप होता है जैसे इंदौर वगैरह में भी है। इंदौर में तो आई बस कहते हैं, अब यहाँ पे पता नहीं क्या कहते हैं भाई। सो भाई यहाँ पे और भी भाई लोग उतर रहे हैं बस से, और भाई लोग कैसा लगा बस में जर्नी करके? मजा आया, इंटीरियर वगैरह साफ सुथरा था, स्टाफ बढ़िया था,
खाना वाना जहाँ रुके थे हम लोग। सो जी आ चुके हैं साबरमती मेट्रो स्टेशन के पास। ये देख लो भाई, यहाँ पे पैसेंजर डीबोर्ड कर रहे हैं साबरमती। नाम क्या है? गोविंद भाई। कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है? 20 साल से आप ये गुजरात ट्रेवल्स में है। सो भाई इसी के साथ इस बस जर्नी को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अपनी बस पहुंच चुकी है भाई अहमदाबाद के पालरी में। सो भाई आप देख सकते हैं अहमदाबाद का बुकिंग ऑफिस, जहाँ पे आप अपना कार्गो या आप टिकट की बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रूट पे इनकी बसेस जाती है, देख सकते हो भाई ये डिफरेंट डिफरेंट रूट यहाँ पे आपको मेंशन है। बाकी पालरी सामने ही बस अपनी लगती है गुजरात ट्रेवल्स की। बाकी यहाँ पे अंकल आपको मिल जाएंगे। क्या नाम है अंकल आपका? आप यहाँ पे क्या हैंडल करते हैं सर? ओके, बाकी यहाँ पे आके आप ऑफलाइन भी बुकिंग वगैरह करवा। वैसे अंकल इस बस का फेयर क्या है दिल्ली से अहमदाबाद का? हाँ किराया कितना है? हाँ जी अच्छा डायनेमिक, मतलब मिनिमम 1400 होता है डायनेमिक, 1470 रहता है, बाकी डायनेमिक रहता है, ऊपर बढ़ता घटता रहता है। ठीक है ठीक है। बाकी ये कुछ ऑफिस रहा भाई, यहाँ पे आप आके वेट भी कर सकते हैं अपनी बस से। बस के टाइमिंग से कितनी देर पहले पैसेंजर यहाँ पे आ सकता है? आपको यही दिखाना था भाई गुजरात ट्रैवल्स की फैसिलिटी। बाकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज वगैरह रही जर्नी के दौरान। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट कर लेना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं ऐसी नई बेहतरीन बस जर्नी के साथ अपने बैठे के। जय हिंद।